और हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लाइंग कार कब तक आ पाएगी? और एक और महाशय ने पूछा है, ऑटोमेटिक हाउस कब तक आ पाए? तो उससे जैसे कि आपको बताया, टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते रहते, फ्लाइंग फोन हमने क्रिएट कर रहा, उसके बाद एक रिमोट कंट्रोल्ड कार भी आप लोगों के, बट अब हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हम एक फ्लाइंग होम के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो एयरक्राफ्ट यूज होती है, हम वो सेम टेक्नोलॉजी घर में यूज कर रहे हैं और 3 मीटर तक हम घर को हवा में उड़ा सकते हैं और ये हमारे फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, हमको एक बस बटन दबाना होता है। भाई हमारे पुराने एक्सपेरिमेंट्स की तरह ये भी बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट की बुकिंग 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। एजोस के साथ स्पेस ट्रिप करोगे दोस्तों, हमारा जो फ्लाइंग हाउस है उसी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा। बता के बाद साइड में, मार्स पे जाना मेरा एक्चुअल एम है और जितना मुझे लगता है कि भाई 50 से 60 साल में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम एक्चुअल मार्स पे और बाकी प्लैनेट्स पे जाओ और हम अपनी जिंदगी के आखिरी साल डेफिनेटली स्पेस में किसी एक स्पेस स्टेशन पे जाएं। 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स, मुझे एलियन से भी सब्सक्राइब करवा देंगे।